मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनु यादव, योर जीके टीचर ऑफ थर्ड क्लास फ्रॉम एमएलपी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 12, इट इज एनिमल क्विज। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारे पास एनिमल के बारे में कुछ क्वेश्चंस गिवन है, साथ में हमारे पास इस चैप्टर में हेल्प बुक्स भी गिवन है। उन क्वेश्चंस को रीड करके हमें हेल्प बुक्स में से ये ढूंढना है कि इसका सही करेक्ट आंसर कौन सा है, साथ में उनका आंसर्स करना है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अवर एनिमल क्विज। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 12, एनिमल क्विज। एनिमल के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनका हमें आंसर देना है कि कौन सा एनिमल उससे रिलेट करता है। लेट्स स्टार्ट। गिव ब्लो आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एनिमल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है हमारे चैप्टर में एनिमल से रिलेटेड। आंसर देम यूजिंग द हेल्प बॉक्स। हमारे पास हेल्प बॉक्स गिवन है चैप्टर के एंड में, इसकी हेल्प से हमें ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज, विच एनिमल इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन फुट। स्टूडेंट्स, ये बताना है कि कब सबसे फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है, जो चलता है जमीन पर चलता है, वो सबसे तेज चलने वाला एनिमल कौन सा है, दौड़ने वाला एनिमल कौन सा है। इट इज लेपर्ड, LEOPARD, लेपर्ड, LEOPARD, लेपर्ड। लेपर्ड इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन फुट। लेपर्ड जो है वो सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है, सबसे तेज चलने वाला एनिमल है। सेकेंड इज, विच एनिमल इज नोन एज लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल। सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने वाला एनिमल कौन सा है, जिसकी लाइफ टाइम सबसे ज्यादा हो। इट इज टॉर्टोइस, TORTOISE, टॉर्टोइस। सबसे लंबी उम्र रखने वाला एनिमल कौन सा है, टॉर्टोइस, जो सालों तक जीता है। इसकी जो लाइफ टाइम होता है, जो इसका लाइफ साइकिल होता है, वो मैनी ईयर्स होता है। विच इज द हैवीएस्ट लिविंग एनिमल ऑन अर्थ। स्टूडेंट्स, सबसे भारी जो लिविंग एनिमल है वो कौन सा है, अर्थ पे रहने वाला। वाटर का भी अलग है, अर्थ का अलग है, सो हमें क्या बताना है, ओनली जो अर्थ पे रहता है, सबसे भारी, सबसे ज्यादा वजन वाला एनिमल कौन सा है। इट इज एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट इज द हैवीएस्ट लिविंग एनिमल ऑन अर्थ। जो एनिमल है वो सबसे भारी एनिमल है, वजन में सबसे भारी एनिमल है, जो कि अर्थ पर रहता है। फोर्थ इज, विच एनिमल इज नोन एज द वाइसेस्ट एनिमल। सबसे बुद्धिमान एनिमल, वाइसेस्ट एनिमल कौन सा है, सबसे बुद्धिमान एनिमल कौन सा है, हमारा चिंपैंजी, CHIMPANZEE, चिंपैंजी, CHIMPANZEE, चिंपैंजी। तो चिंपैंजी हमारा एनिमल है, वो सबसे बुद्धिमान एनिमल है। जो हमारे सारे एनिमल्स हैं, उनमें सबसे बुद्धिमान कौन है, चिंपैंजी। फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच एनिमल इज द टैलेस्ट लिविंग एनिमल। स्टूडेंट्स, हमें उस एनिमल का नेम बताना है जो सबसे लंबा लिविंग एनिमल है, सबसे ऊंचाई में जो सबसे लंबा है लिविंग एनिमल है, उसके बारे में हमें बताना है कि उसका नेम क्या है। इट इज जिराफ, GIRAFFE, जिराफ, GIRAFFE, जिराफ। जिराफ इज द टॉलेस्ट लिविंग एनिमल। जो जिराफ है वो सबसे लंबा एनिमल है। विच एनिमल हैज द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। जो लाइफ स्पैन, जो लाइफ साइकिल है, वो सबसे छोटी कौन से एनिमल की होती है। इट इज हाउस फ्लाई, जो हाउस फ्लाई मीन्स जो मक्खी होती है घरों में, जो मक्खी घूमती है, उसकी जो जीवन है उसका जीवन चक्र है वो सबसे छोटा है। सभी जानवर में सबसे छोटा जीवन चक्र किसका है, हाउस फ्लाई का। नेक्स्ट इज, विच एनिमल प्रोड्यूस द बिगेस्ट बेबी। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा बेबी कौन सा एनिमल देता है, साइज में सबसे बड़ा। ब्लू वेल, जो ब्लू वेल होती है, वो उसका बेबी सबसे बड़ा होता है जब वो
पैदा होता है तो वो सबसे बड़ा होता है साइज में। ब्लू व्हेल का बच्चा सबसे बड़ा होता है साइज में। विच एनिमल इज नोन एज द शी हॉर्स? स्टूडेंट्स, सी हॉर्स के नाम से कौन सा एनिमल जाना जाता है? इट इज होपो हिपोपोटामस, HIPPOTAMUS, हिपोपोटामस। जो हिपोपोटामस होता है, जिसको हम दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं, वो क्या होता है, वो किसके नाम से जाना जाता है? सी हॉर्स। सी हॉर्स के नाम से हिपोपोटामस जाना जाता है। स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। विच एनिमल इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन फुट? सबसे तेज दौड़ने वाला, सबसे तेज चलने वाला एनिमल कौन सा है? लेपर्ड। विच एनिमल इज नोन एज द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल? सबसे ज्यादा जीवित रहने वाला, जिसकी लाइफ टाइम सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा जो जिसका जीवन है, वो कौन सा एनिमल है? टोर्टोइस। विच इज द हैवीएस्ट लिविंग एनिमल ऑन अर्थ? अर्थ के ऊपर सबसे भारी वजन वाला, सबसे भारी जो एनिमल है उसका नाम क्या है? एलिफेंट। विच एनिमल इज नोन एज द वाइसेस्ट एनिमल? चिंपैंजी। जो सबसे बुद्धिमान एनिमल है हमारा, वो कौन सा है? चिंपैंजी। विच एनिमल इज द टैलेस्ट लिविंग एनिमल? सबसे लंबा एनिमल कौन सा है? जिराफ। विच एनिमल हैज द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन? हाउस फ्लाई। सबसे छोटा जीवन चक्र किस कौन से एनिमल का होता है? किसका होता है? हाउस फ्लाई का। विच एनिमल प्रोड्यूस द बिगेस्ट बेबी? सबसे बड़ा जो बेबी होता है, जिस टाइम बर्थ लेता है, वो कौन सा होता है? ब्लू वेल। जो ब्लू वेल होती है, वो सबसे बड़ा बेबी को बर्थ देती है। विच एनिमल इज नोन एज द शी हॉर्स? शी हॉर्स के नाम से कौन सा एनिमल जाना जाता है? हिपोपोटामस। स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस एनिमल क्विज। एनिमल्स के बारे में कुछ क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, राइट देम इन योर नोटबुक, फेयर नोटबुक, नीट एंड क्लीनली। ऑल्सो राइट इट इन योर बुक एंड लर्न देम ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट योर SST क्लास ऑनलाइन। डियर स्टूडेंट्स, फॉर क्लास थर्ड, टुडे इज अवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 16, मुंबई। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा, आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। हमारी एक्सरसाइज नंबर ए है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। यानी कि ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके चार ऑप्शंस हैं, उनमें एक जो करेक्ट ऑप्शन हो उस पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? ऑप्शन ए है कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई और डी दिल्ली। तो सी मुंबई इज द करेक्ट ऑप्शन। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, मॉडर्न मुंबई इज मेड ऑफ। जो मॉडर्न मुंबई है, आज का जो मुंबई है, वो किससे बना है? ऑप्शन ए है 5 आइलैंड्स, बी 3 आइलैंड्स, सी 7 आइलैंड्स और डी है 9 आइलैंड्स। तो हमारा सी जो ऑप्शन है, 7 आइलैंड्स, वो करेक्ट है। तो हमारा जो मॉडर्न मुंबई है, वो 7 आइलैंड से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम बॉम्बे वाज गिवन बाय। जो बॉम्बे नेम है, वो किसके द्वारा दिया गया? द नेम बॉम्बे वाज गिवन बाय। जो बॉम्बे नेम है, वो किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए है ब्रिटिश, बी मुंबई का राज और सी है पोर्टुगीज और डी ऑल ऑफ दीज। बेटा, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे डी नंबर पे सी लिखा हुआ है, ये डी आएगा, ऑल ऑफ दीज। तो उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है, वो करेक्ट कौन सा है? पोर्टुगीज आएगा, क्योंकि मुंबई का जो बॉम्बे नाम है, वो किसने दिया था? पुर्तगालियों ने दिया था, पोर्टुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इज ए पॉपुलर जू इन मुंबई। इनमें से कौन सा मुंबई के अंदर एक पॉपुलर जू है? तो क्या आएगा? ऑप्शन हमारा जो डी है, जय माता उद्यान जो है, ये इंडिया मुंबई के अंदर एक पॉपुलर जू है, फेमस जू है, जय माता उद्यान, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है, डैश इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र स्टेट की कैपिटल क्या है? मुंबई, ऑप्शन बी। मुंबई जो है, वो महाराष्ट्र स्टेट की
कैपिटल है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर बी है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। टी लिखना है ट्रू के लिए और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो क्या है, मैरियाना ड्राइव एंड नरीमान पॉइंट आर पॉपुलर बीचेज। जो मैरियाना ड्राइव है और जो नरीमन पॉइंट है वो पॉपुलर बीचेज है मुंबई के, तो इसके अंदर क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट सेकंड है, मुंबई बिकम कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इन 1995। जो मुंबई है उसको महाराष्ट्र का कैपिटल 1995 में बनाया गया, तो इसके अंदर क्या आएगा, फॉल्स। 1995 में मुंबई को महाराष्ट्र कैपिटल नहीं बनाया गया था, तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट हमारी थर्ड वो स्टेटमेंट है, वाटर पार्क इन मुंबई इज एशिया लार्जेस्ट वाटर पार्क। मुंबई के अंदर जो वाटर पार्क है वो एशिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है, तो इसके अंदर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू स्टेटमेंट है ये हमारी। नेक्स्ट फोर्थ हमारी स्टेटमेंट है, मुंबई इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है, महाराष्ट्र स्टेट में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्या आएगा इसके अंदर, टी आएगा। नेक्स्ट हमारी फिफ्थ स्टेटमेंट है, मॉडर्न मुंबई इज फॉर्म्ड बाय द सेवन आइलैंड्स। जो मॉडर्न मुंबई है, आज का जो मुंबई है वो सात आइलैंड से मिलकर बनी है, तो इसके अंदर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ये राइट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे अब एक्सरसाइज नंबर सी है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। इन कॉलम्स को मैच करना है, तो फर्स्ट हमारा कॉलम ए इधर दिया हुआ है और कॉलम बी ये है, तो कॉलम ए में है मुंबई हाई। मुंबई हाई को हम किस से मैच करेंगे, तो मुंबई हाई जो है वो मुंबई के अंदर एक जगह है जहाँ पर ऑयल डिपॉजिट है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑयल डिपॉजिट्स इन मुंबई, तो डी से मैच होगा। सेकंड है मुंबई कार, जो मुंबई कार है वो किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है पीपल ऑफ मुंबई, मुंबई के लोगों को कहा जाता है, तो सेकंड को किस से मैच करेंगे, सी से। थर्ड है वर्सोवा क्या है, एक इम्पोर्टेंट बीच है, तो क्या आएगा, बी आएगा, इम्पोर्टेंट बीच। फोर्थ हमारा जो कॉलम है हमारा ए के अंदर फोर्थ, गेटवे ऑफ इंडिया। जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो क्या है, पॉपुलर लैंडमार्क है। गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, पॉपुलर लैंडमार्क है, तो मुंबई हाई को डी से मैच करेंगे, ओल्ड डिपॉजिट इन मुंबई। मुंबई कार को किससे करेंगे, सी से मैच, पीपल ऑफ मुंबई। और वर्सोवा को किससे मैच करेंगे, बी इम्पोर्टेंट बीचेज से। और फोर्थ है गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया को मैच करेंगे पॉपुलर लैंडमार्क से। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को आपको आपके फेयर नोटबुक में राइट करना है और ऑल्सो लर्न इट। थैंक यू स्टूडेंट्स, लर्न भी करना है और राइट भी करना है। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई रश्मि मैम, योर साइंस टीचर फ्रॉम एमएफ इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट अवर साइंस क्लासेस, क्लास थर्ड एंड चैप्टर नंबर 7, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। टुडे वी विल डू टॉपिक, आवर टॉपिक इज क्वेश्चन आंसर्स। ओके, आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, हाउ इट इज हेल्पफुल, ये हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट आंसर। फर्स्ट एड क्या होती है, प्राथमिक चिकित्सा, द फर्स्ट हेल्प और ट्रीटमेंट। फर्स्ट हेल्प जो हम फर्स्ट सहायता करते हैं किसी की पहली बार, और ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, प्रोवाइडेड टू एन इंजर्ड पर्सन, जो घायल आदमी है उसको प्रोवाइड करते हैं, गिविंग फर्स्ट एड। क्या देख के, फर्स्ट एड देख के, प्राथमिक चिकित्सा देख के। ओके, तो क्या किसे कहते हैं फर्स्ट एड, द फर्स्ट एड, द फर्स्ट हेल्प और ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू एन इंजर्ड पर्सन गिविंग फर्स्ट एड एंड कैन सेव लाइफ, सो इट इज हेल्पफुल टू अस। इसलिए ये क्या है, ये हमारी लाइफ को सेव करती है। अगर हम फर्स्ट एड देते हैं किसी को तो किसी की जान बच सकती है, इसलिए ये क्या है, हमारे लिए हेल्पफुल भी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज अ फर्स्ट एड किट कंटेन।
जो फर्स्ट एड किट होती है, जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है हमारे पास, वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो हमें बताना है। और आंसर इज ए फर्स्ट एड किट कंटेन्स मेडिसिन। फर्स्ट एड किट में क्या होती है स्टूडेंट्स, मेडिसिन होती है, दवाइयाँ, बैंडेज, स्ट्रिप्स, जो बैंडेज स्ट्रिप्स होती है, पट्टी होती है वो, सीजर्स, कैचे होती है, कॉटन होती है, रुई होती है, ओके, एंटीसेप्टिक सोप, रोगाणुरोधक साबुन होती है, एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, और दूसरी जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, जरूरी चीज़ें हैं जो फर्स्ट एड में यूज़ की जाती है वो सारी होती है, नीड टू गिव फर्स्ट एड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर शुड ऑल सेफ्टी रूल्स बी फॉलो। सारे सेफ्टी रूल्स कहाँ पे फॉलो करने चाहिए, ये तो नहीं है कि सेफ्टी रूल्स एक ही प्लेस पे फॉलो करने चाहिए, सेफ्टी रूल्स फॉलो आर एवरीवेयर, सेफ्टी रूल्स हमें हर जगह पे फॉलो करने चाहिए। आंसर इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टे सेफ एट होम। कहाँ कहाँ पे जरूरी है सेफ रहना, सबसे पहले होम पे, घर पे सेफ रहना चाहिए, एट स्कूल, स्कूल में, एंड ऑन दी रोड, और कहाँ पे सेफ रहना चाहिए हमें, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, रोड पे। सो सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलो इन ऑल दीज प्लेसेस, इसलिए सेफ्टी रूल्स को इन सभी प्लेसेस पे फॉलो करना जरूरी होता है, करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स वी रिवाइज। इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टे सेफ एट होम, एट स्कूल, एंड ऑन द रोड, सो सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलो इन ऑल दीज प्लेसेस। ओके नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट आर सम सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलो इन द किचन। जो हमारा रसोई घर होता है, किचन होता है, उसमें हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सो आवर आंसर इज फर्स्ट पॉइंट, नेवर प्ले और रन इन द किचन। क्या नहीं करना चाहिए, खेलना और दौड़ना नहीं चाहिए, प्ले और रन नहीं करना चाहिए किचन में। ओके नेक्स्ट, वी नीड टू बी केयरफुल वाइल यूजिंग अ नाइफ। जब आप नाइफ का यूज़ करते हो, चाकू का यूज़ करते हो, तो आपको सावधान होकर उसका यूज़ करना चाहिए। अगर आपको नाइफ की नीड है, ज़रूरत है, तो आप उसको केयरफुल होके ही यूज़ करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, चिल्ड्रन मस्ट नेवर ट्राई टू लाइट अ गैस स्टोव। जो किचन में गैस स्टोव होता है कुकिंग करने के लिए, उसको जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको नहीं जलाना चाहिए। ओके वो जल सकते हैं इसलिए। सो लेट्स वी रिवाइज, नेवर प्ले और रन इन द किचन। नेक्स्ट इज वी नीड टू बी केयरफुल वाइल यूजिंग अ नाइफ। थर्ड, चिल्ड्रन मस्ट नेवर ट्राई टू लाइट अ गैस स्टोव। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ। सो स्टूडेंट्स आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ कैन टॉकिंग ऑन द मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग बी रिस्की। अगर आप मोबाइल फोन पे बात करते हो जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, ओके, जब आप फोन पे बात करते हो ड्राइव करते टाइम, तो वो आपके लिए रिस्की कैसे हो सकता है, कैसे रिस्क है इसमें। सो आवर आंसर इज टॉकिंग ओवर द फोन वाइल ड्राइविंग। आप टॉक करते हो, बात करते हो मोबाइल फोन पे जब आप ड्राइव कर रहे हो, कैन कोज एक्सीडेंट। तो उससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। सो टॉकिंग ऑन द मोबाइल फोन आर रिस्की वाइल ड्राइविंग, इसलिए मोबाइल पे बात करना जब आप ड्राइव कर रहे हो, ये हमारे लिए रिस्की हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। सो लेट्स वी रिवाइज दिस क्वेश्चन, टॉकिंग ओवर द फोन वाइल ड्राइविंग कैन कोज एक्सीडेंट्स। सो टॉकिंग ऑन द मोबाइल फोन आर रिस्की वाइल ड्राइविंग। सो स्टूडेंट्स, all the questions of this chapter is completed today. You will write in your fair notebook of science, okay? Bas. Read chapter 7, remaining reading, okay? First aid,
फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प और ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू एन इंजर्ड पर्सन। फर्स्ट एड क्या होता है? प्राथमिक चिकित्सा, वो पहली सहायता जो हम किसकी करते हैं, इंजर्ड पर्सन की, जो पहला इलाज करते हैं घायल व्यक्ति का। गिविंग फर्स्ट एड कैन सेव लाइफ, फर्स्ट एड देने से जीवन बच सकता है, सेव हो सकता है। इट कैन मेक द इंजर्ड पर्सन फील ए लिटिल बेटर टिल द टाइम द डॉक्टर अराइज। अगर आप किसी को फर्स्ट एड देते हो, प्राथमिक चिकित्सा देते हो, तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, उससे ये होगा कि जब तक डॉक्टर आएगा तो उसको इंजर्ड पर्सन को कुछ बेटर फील होगा, अच्छा लगेगा थोड़ा। ए फर्स्ट किट कंटेन, फर्स्ट एड किट कंटेन्स मेडिसिंस। फर्स्ट एड किट में क्या होता है, दवाइयाँ होती है, बैंडेज स्ट्रिप्स होती हैं, सीजर, कॉटन, एंटीसेप्टिक सोप एंड क्रीम एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स नीड टू गिव फर्स्ट एड। और जो जो फर्स्ट एड देने में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सभी चीज़ें होती हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न फर्स्ट एड टिप्स प्रॉपरली बिफोर यूजिंग दैम ऑन वन सेल्फ और अदर। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि फर्स्ट एड जो होता है, प्राथमिक जो चिकित्सा है, उसका हम यूज कैसे करें, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। किसी के ऊपर भी यूज़ करने से पहले हमें उन टिप्स का पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड को कैसे यूज़ किया जाता है। सो हेयर आर सम फर्स्ट एड टिप्स। फर्स्ट इज़ बर्न, बर्न के लिए क्या टिप्स हैं, अगर किसी को जल जाता है तो बर्न हो जाता है बॉडी का पार्ट, तो क्या करना चाहिए। कूल द बर्न अंडर कोल्ड रनिंग वाटर, तो क्या करना चाहिए, ठंडे चलते हुए पानी से बर्न एरिया को वॉश करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, कम से कम 10 मिनट तक लूजली कवर द बर्न एंड सी द डॉक्टर इमिजिएटली। और उसको किससे कवर करना चाहिए, बर्न को लूजली, ढीले से, मतलब ढीला सा कोई भी कपड़ा हो उससे कवर करना चाहिए एंड सी द डॉक्टर इमिजिएटली, और डॉक्टर को शीघ्र दिखाना चाहिए। नेक्स्ट इज ब्रोकन बोन, अगर हमारी बोन में ब्रेक लग जाता है, ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है, तो क्या करना चाहिए, सपोर्ट द इंजरी विद अ पिलो, कुशंस और समथिंग एल्स सो दैट द इंजर्ड पर्सन पार्ट डज नॉट मूव। ऐसी चीज़ से सपोर्ट करना चाहिए, किसी तकिए से, छोटे छोटे पिलो जो होते हैं उनसे क्या करना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए ताकि जो पार्ट है जिसमें आपकी जो बोन है ब्रेक हो गई है वो मूव ना करे, हिल ना सके। कीप इट दैट वे टिल द डॉक्टर अराइव्स, ऐसा तब तक करो आप अपने आप जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता, डॉक्टर के पास नहीं चल जाते आप। हेड इंजरी, अगर आपके हेड में इंजरी होती है, हेड में चोट लगती है, तो क्या करना चाहिए, सर में चोट लग जाए तो लेट द पर्सन रिलैक्स, जिस भी व्यक्ति को चोट लगे उसे लेटा दो रिलैक्स आराम से। अप्लाई कोल्ड कंप्रेस, और क्या करना चाहिए, एक ठंडी पट्टी अप्लाई करनी चाहिए टू द इंजर्ड एरिया, जहाँ पे भी चोट लगे वहाँ पे। फॉर एग्जांपल आइस क्यूब्स रैप्ड इन अ क्लोथ नैपकिन, अगर कोई कपड़े में क्या करोगे, एक क्लोथ है और उसमें आइस क्यूब्स, छोटी छोटी आइस लेके उसमें रैप करके उसको रख सकते हो रिलीफ के लिए। नेक्स्ट इज कट एंड वाउंड्स, कट और वाउंड्स लग जाता है कहीं पे, तो क्या करना चाहिए, क्लीन द वाउंड विद वाटर एंड एंटीसेप्टिक सोप, उस वाउंड को, उस घाव को एंटीसेप्टिक सोप और वाटर से क्लीन करोगे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, संक्रमण से बचने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए। अप्लाई प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग, और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है कट लगने के बाद, उसको प्रेशर लगा के स्टॉप कर दोगे, रोक दोगे। कवर द वाउंड विद क्लीन बैंडेज, और जो बैंडेज होती है, पट्टी होती है, साफ पट्टी से उसको कवर कर दोगे। इन केस ऑफ डीपर वाउंड, अगर गहरा घाव लगता है तो सीधा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट इज नोज ब्लीड्स, अगर आपकी नोज ब्लीड करे, नाक से खून बहने लगे, तो क्या करोगे, सीट अपराइट्स, सीधे बैठोगे एंड लीन फॉरवर्ड, और आगे की तरफ हेड को झुका के क्या करोगे, पिंच द नोज यूजिंग योर थम, अंगूठे का जो थम जो होता है उसका यूज़ करके अपनी जो नोज़ होती है, जो बोनी पार्ट होता है उससे आगे जो नोज़ होती है उसको पिंच करोगे, दबाओगे एंड इंडेक्स फिंगर, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली है, कंटिन्यू पिंचिंग फॉर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट तक पिंचिंग करोगे
ब्रीथ थ्रू योर माउथ ड्यूरिंग दैट टाइम, जब आप नोज को पिंच कर रहे हो तो उस टाइम पे आप माउथ से ब्रीथ करोगे. डोंट पिक और ब्लो योर नोज एंड डोंट बैंड डाउन फॉर सेवरल आवर्स आफ्टर द ब्लीडिंग अकर. अगर आपको ब्लीडिंग हुई है, नाक से खून बहा है, तो आप अपने हेड को ज़्यादा देर तक, कई घंटों तक, आगे तक नहीं रखोगे. चोकिंग, अगर आपके गले में कुछ फंस जाता है तो चोकिंग अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टक इन द थ्रोट. अगर आपके गले में कुछ अटक जाता है तो क्या हो जाती है, चोकिंग. विंड पाइप ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ एयर, और विंड पाइप जो है वहाँ से एयर का फ्लो बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है. हिट द पर्सन ऑन इज बैक, और बैक से क्या करना चाहिए, पर्सन को हिट करना चाहिए. ओके, लाइक दिस बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स टू डिसलॉक द ऑब्जेक्ट. उस जो भी फंसा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको निकालने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर 7 टुडे इज कंप्लीटेड. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मायसेल्फ बाला मैम फ्रॉम एमएलपी इंटरनेशनल स्कूल मास्टर. नाउ वी स्टार्ट आवर मैथ ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 3rd, एंड प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 4.2 एंड 4.3 हैव फिलअप्स. बेटा बहुत इजी है, आपने फिलअप्स खुद करने हैं. जैसे 1381 में से आपने जीरो को माइनस किया तो आंसर क्या रहेगा, वो डिजिट सेम. इस तरह ये फिलअप्स के वाले क्वेश्चन आपने खुद करने हैं. नाउ वी डू और एक्सरसाइज 4.4. दिस प्रॉब्लम, दिस एक्सरसाइज हैड वर्ड प्रॉब्लम एंड अवर फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज इन ए पोल्ट्री फॉर्म 3683 एग्स वर कलेक्टेड इन द मॉर्निंग. एक फार्म है, मुर्गी फार्म है, जिसपे एग कलेक्ट किए जाते हैं मॉर्निंग में 3683 एंड 2160 एग्स वर सेंट टू द मार्केट, और उसमें से मार्केट में बेच दिए जाते हैं 2160 एग्स बाय द आफ्टरनून, और दोपहर में वो बेच दिए जाते हैं. हाउ मेनी एग्स वर रिमेनिंग इन द फार्म, तो कितने एग थे जो फार्म में रिमेनिंग बचे, मतलब लेफ्ट बचे. बेटा अगर क्वेश्चन में लेफ्ट पूछे तो हम क्या करते हैं, माइनस. सो आवर स्टेटमेंट इज, नाउ आवर स्टेटमेंट इज एग्स कलेक्टेड इन द मॉर्निंग. एग मॉर्निंग में कितने कलेक्टेड हो रहे हैं, 3683 एग्स स्पेंट इन टू द मार्केट और सेंट इन टू द मार्केट, और कितने एग हैं जो मार्केट में सेंट हो रहे हैं, 2160. तो हमें पूछा है एग्स वर रिमेनिंग, कितने एग्स लेफ्ट बचे, लेफ्ट है तो बेटा हम क्या करेंगे, माइनस. सो नाउ वी सब्ट्रैक्ट दिस क्वेश्चन एंड अवर डिजिट इज 3683 माइनस 2160. बेटा 3 में से 0 माइनस होता है 3 एज इट इज, 8 में से 6 माइनस किया 2, 6 में से 1 माइनस किया 5, 3 में से 2 माइनस किया 1. सो आवर आंसर विल बी 1523. आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड. एंड अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज राजन हैज 1167 स्टैम्प. एक राजन है लड़का जिसके पास स्टैम्प है 1167. वाइल हिज ब्रदर रजत, और उसका भाई है रजत, उसके पास है 1843 स्टैम्प. हु हैज मोर स्टैम्प एंड हाउ मेनी, तो किसके पास स्टैम्प ज्यादा है और कितनी ज्यादा है. सो डियर स्टूडेंट अवर स्टेटमेंट इज रजत हैज स्टैम्प, रजत के पास कितनी स्टैम्प है, 1843. राजन हैज स्टैम्प, राजन के पास कितनी स्टैम्प है, 1167. डिफरेंस, डिफरेंस मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा किसके पास ज्यादा स्टैम्प है. सो नाउ वी सब्ट्रैक्ट जब हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया तो अवर आंसर इज 676. तो बेटा किसके पास स्टैम्प ज्यादा थी, रजत के पास, कितनी ज्यादा थी, 676. नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 3 एंड अवर क्वेश्चन नंबर 3 इज ए फार्मर पैक्ड 7500 ओरेंजेस. एक फार्मर है जो ओरेंजेस पैक करता है 7500, आउट ऑफ देम 1859 ओरेंजेस गॉट स्पॉइल्ड, और उसमें से कुछ ऑरेंज स्पॉइल्ड मतलब खराब हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 1859 एंड हैड टू बी थ्रोन अवे, और उनको फेंक देते हैं. हाउ मेनी ओरेंजेस वर लेफ्ट विद द फार्मर, तो कितने ओरेंजेस थे जो उसके पास लेफ्ट बचे, लेफ्ट पूछा बेटा हम क्या करेंगे, माइनस. सो अवर स्टेटमेंट इज, नाउ अवर स्टेटमेंट इज क्वेश्चन नंबर 3, टोटल ओरेंजेस 7500, ओरेंजेस गॉट स्पॉइल्ड, कितने ओरेंजेस स्पॉइल्ड हो गए, खराब हो गए, 1859. ओरेंजेस वर लेफ्ट, कितने ओरेंजेस लेफ्ट थे, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
जीरो में से नाइन माइनस नहीं होता तो हम यहाँ फाइव से कैरी लेंगे, यहाँ पर रिमेनिंग बचा फोर, जीरो चेंज हो गया टेन में, टेन में से कैरी आगे दी हमने तो यहाँ पर लेफ्ट बचा नाइन और ये चेंज हो गया टेन, टेन में से नाइन माइनस किया वन, नाइन में से फाइव माइनस किया फोर, फोर में से एट माइनस नहीं होते तो हम सिक्स से कैरी लेंगे, रिमेनिंग सिक्स एंड फोर चेंज इंटू फोर्टीन, फोर्टीन में से एट माइनस किया सिक्स, फोर में से वन माइनस किया फाइव, तो बेटा हाउ मेनी ऑरेंजेस वर लेफ्ट, 5641। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ इज ए फैक्ट्री है जो बल्ब प्रोड्यूस करती है 8550 बल्ब सप्लाइड, उसमें से कुछ बल्ब सप्लाई कर दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं, तो हाउ मेनी बल्ब वर सप्लाइड, तो कितने बल्ब सप्लाइड किए जा रहे बेटा, 4599 एंड बल्ब वर लेफ्ट, तो कितने बल्ब है जो लेफ्ट बते लेफ्ट है तो हम क्या करेंगे माइनस, तो जीरो में से नाइन माइनस नहीं तो हम यहां से कैरी लेंगे, रिमेनिंग फोर, जीरो चेंज इन टू टेन, टेन में से नाइन माइनस किया वन एंड फोर में से नाइन माइनस नहीं होता वन, फोर में से नाइन माइनस नहीं तो हम यहां से कैरी लेंगे फोर, फोर्टीन, फोर्टीन में से नाइन माइनस किया फाइव, फाइव में से फोर, फोर में से फाइव माइनस नहीं होता हम एट से कैरी लेंगे, रिमेनिंग सेवन एंड फोर्टीन, फोर्टीन में से फाइव माइनस किया नाइन, नाइन सेवन में से फोर माइनस किया थ्री, तो बेटा हाउ मैनी बल्ब वर लेफ्ट, 3951। एंड अवर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है उसमें स्कूल में, तो टोटल बच्चे जो इकट्ठे हुए वो थे 8450 चिल्ड्रन वर बिलो एज 15 और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी एज 15 से कम थी और कुछ ऐसे थे 15 से ज्यादा, तो उसमें जो 15 से कम थे उनके क्वांटिटी दे रखी है, उनकी संख्या बता रखी है कितनी है, तो 4165 हमें फाइंड आउट करना है। चिल्ड्रन वर अबोव एज 15, तो कितने चिल्ड्रन थे जो 15 से अबोव मतलब बड़े थे, तो बेटा हमें क्या करेंगे रिमेनिंग पूछा है तो लेफ्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, जीरो में से फाइव माइनस नहीं होता तो हम कैरी लेंगे टेन, यहां पे रिमेनिंग बचा फोर, टेन में से फाइव माइनस किया फाइव, फोर में से सिक्स माइनस नहीं होता तो हम कैरी लेंगे रिमेनिंग थ्री एंड चेंज इन टू फोर्टीन, फोर्टीन में से सिक्स माइनस किया एट, थ्री में से वन माइनस किया टू, एट में से फोर माइनस किया फोर, तो बेटा हाउ मेनी चिल्ड्रन विच एज हैव अबोव 15, 4285। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर सिक्स इज मिस्टर शेखावत हैड, मिस्टर शेखावत है जिसके बैंक अकाउंट है और उसमें जो टोटल मनी है वो है 9200 रुपीज, विड्रो, विड्रो उसमें से वो कुछ विड्रो कर लेता है, विड्रो मीन्स उसमें से कुछ निकाल लेता है, तो कितने मनी निकालता है 2756। अभी पूछे हाउ मैनी मनी लेफ्ट विन इन हिज बैंक अकाउंट, अभी उसके बैंक अकाउंट में कितने लेफ्ट बचे हैं तो हम क्या करेंगे बेटा माइनस, सो वी सब्ट्रैक्ट, जीरो में से फोर सिक्स माइनस नहीं होता हम कैरी लेंगे, रिमेनिंग वन, जीरो चेंज इन टू टेन, नाइन एंड चेंज इन टू टेन, टेन में से सिक्स माइनस किया फोर, नाइन में से फाइव माइनस किया फोर, वन में से सेवन माइनस नहीं तो हम कैरी लेंगे एट, चेंज इन टू इलेवन, इलेवन में से सेवन माइनस किया फोर एंड एट में से टू माइनस किया सिक्स, तो बेटा हाउ मेनी हाउ मच मनी लेफ्ट इन हिज अकाउंट, 6444। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन अवर फोर पोएम रीडिंग, अवर पोएम नेम किट्टी ब्रेक्स हर लेग एंड वर्ड मीनिंग्स इन पार्ट ए हम इसका कंप्लीट कर चुके थे। नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट अवर पार्ट बी, सी, डी एंड इट्स क्वेश्चन आंसर। सो स्टूडेंट्स पार्ट बी है हमारा राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए एंड एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। देन फर्स्ट है हमारा किटी प्रिटेंडेड टू ब्रेक हर लेग, प्रिटेंडेड का मतलब होता है नाटक, किटी ने अपना पैर टूटने का नाटक किया था, तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, उसका रियल में पैर टूट गया था, लेग ब्रेक हो गया था। सेकेंड है द डॉक्टर पुट अ बैड प्लास्टर ऑन हर लेग, डॉक्टर ने उसके पैर पर बुरा प्लास्टर ऐड किया था, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी रॉन्ग हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज डॉक्टर ने उसके पैर को बहुत अच्छे से सेट कर दिया था।
एंड थर्ड स्टेटमेंट है हमारी किटी ड्रैग्ड हरसेल्फ अबाउट द हाउस इन सर्च ऑफ माउस इन हर और अ हर्टी मी। किटी ने अपने आप को घसीटा था, ड्रैग का मतलब क्या होता है घसीटना। किटी ने अपने आप को घसीटा क्योंकि वो हर्टी माउस आकर्षक जो माउस है उसको पकड़ना चाहती थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है हमारी। फोर्थ है किटी वाज चेजिंग ए माउस, चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना। किटी माउस का पीछा कर रही थी, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी हमारी ट्रू हो जाएगी क्योंकि हमारी पोयम में था कि किटी माउस का पीछा कर रही थी। एंड फिफ्थ है हमारा लास्ट है द माइस वांटेड किटीज टू रिमेन इन द सेम कंडीशन। माइस जो माउस है हमारा वो चाहता था कि किट्टी है वो सेम कंडीशन में रहे, जो कंडीशन में वो अब है उसी कंडीशन में वो रहे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी ट्रू हो जाएगी। एंड पार्ट सी है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, हमें ब्लैंक फिलअप करनी है। देन फर्स्ट है हमारा किट्टी फेल ब्लैंक द वेल, तो इसमें क्या आ जाएगा फ्रॉम। किट्टी कहाँ से गिर गई थी, वॉल से गिर गई थी, किट्टी फेल फ्रॉम द वॉल। सेकंड है किट्टी ब्रोक हर लेग ब्लैंक, किट्टी के पैर का क्या टूट गया था, तो उसके पैर की क्या टूट गई थी हड्डी टूट गई थी, तो किट्टी ब्रोक हर लेग बोन। थर्ड है अपना द डॉक्टर सेड किट्टी इज बोन, द डॉक्टर सेड किट्टी इज बोन ऑल राइट, डॉक्टर ने किट्टी की बोन को कैसा कैसे से किया था, बिल्कुल सही ढंग से ठीक किया था। फोर्थ है हमारा द प्लास्टर बिकेम ब्लैंक, प्लास्टर कैसा था, तो प्लास्टर कैसा था हमारा टाइट, फोर्थ ब्लैंक में क्या आ जाएगा टाइट। फिफ्थ है हमारा किट्टी ड्रैग्ड ब्लैंक अबाउट, किट्टी ने लगभग अपने आप को क्या करना शुरू किया था, तो किट्टी ने अपने आप को क्या किया घसीटना शुरू किया था, तो किट्टी ड्रैग्ड हरसेल्फ अबाउट। फिफ्थ है हमारा फाइंड आउट द रिदम वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पोयम, हमें रिदम वर्ड्स बताने हैं पोयम में से। तो फर्स्ट है अपना फॉल, फॉल का क्या हो जाएगा वॉल। सेकंड है ऑल राइट, ऑल राइट का क्या हो जाएगा हमारा राइट, टाइट भी हो सकता है। थर्ड है अपना प्रे, प्रे का रिदम वर्ड क्या हो जाएगा से, एस ए वाई से। फोर्थ है हमारा अलाउड, अलाउड का रिदम वर्ड क्या हो जाएगा हमारा अबाउट। एंड नेक्स्ट है हमारा पार्ट ई, मैच द पार्ट्स गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी टू कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोयम, हमें पोयम से लाइन को कंप्लीट करने के लिए ए कॉलम को बी कॉलम से मैच करना है। तो कॉलम ए है हमारी फर्स्ट चेजिंग ए माउस, तो ये किसमें मैच हो रहा है हमारा, फर्स्ट ए की टू गॉड वी प्रे हरसेल्फ अबाउट, सी हैड अ फॉल, डी हर लेग एंड ई सेट हर बोन ऑल राइट, तो किसमें होगा सी हैड अ फॉल, चूहे का पीछा करते हुए बिल्ली क्या हुई गिर गई थी, किट्टी क्या हो गई थी गिर गई थी। तो फर्स्ट है हमारा कॉलम ए किसमें मैच कर रहा है सी में, ठीक है। सेकंड है किट्टी इज ब्रोक, किट्टी का क्या टूट गया था, तो किट्टी का क्या टूट गया था पैर, पैर में चोट लगी थी ना उसको, तो सेकंड किसमें मैच होगा हमारा डी में मैच होगा। थर्ड है द डॉक्टर, तो द डॉक्टर है वो किसमें मैच होगा, डॉक्टर ने क्या किया था सेट हर बोन ऑल राइट, तो थर्ड किसमें मैच हो जाएगा ई में मैच हो जाएगा। फोर्थ है हमारा किट्टी ड्रैग्ड, किट्टी ने अपने आप को घसीटा, किस लिए, किट्टी ने अपने आप को क्या किया था घसीटा था हरसेल्फ अबाउट, तो फोर्थ किसमें मैच हो जाएगा हमारा बी में मैच हो जाएगा। एंड फिफ्थ है रिमेन एज यू आर, ये फिफ्थ है लास्ट किसमें मैच हो जाएगा ए में। एंड स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट एफ जी एंड एच, क्वेश्चन आंसर पार्ट एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू वर्ड्स, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ओनली वन वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु सेट ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर दीवार के ऊपर कौन बैठी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा लिटिल किटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वूम वाज किटी
चेजिंग। किट्टी किसका पीछा कर रही थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, किट्टी वाज चेजिंग अ माउस। किट्टी किसका पीछा कर रही थी, माउस का पीछा कर रही थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु फेल फ्रॉम द वॉल, बॉल से दीवार से कौन गिर गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, लिटिल किट्टी। क्वेश्चन नंबर फोर, हु सेट द किट्टीज बॉन, किट्टीज के बॉन को, किट्टीज की हड्डी को किसने सेट किया था, तो किसने सेट किया था, ए डॉक्टर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए डॉक्टर। पार्ट सी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस, हमें वन सेंटेंस में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, व्हाट हैपेंड टू किट्टीज लेग, किट्टी के लेग के साथ क्या हुआ, आंसर क्या हो जाएगा, किट्टीज इंजर्ड हर लेग, किट्टी ने अपना, किट्टी का पैर क्या हो गया था, घायल हो गया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वाई डिड किट्टी म्यू अलाउड, किट्टी जोर से क्यों चिल्लाई थी, आंसर टू गेन सिंपथी सी म्यू अलाउड, वो सहानुभूति, सिंपथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति पाना, वो सहानुभूति पाने के लिए जोर से चिल्लाई थी। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट मेड हर लेग टाइट, किसने किट्टी के लेग को क्या कर दिया था, टाइट बना दिया था, आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टर मेड हर लेग टाइट, किट्टी के पैर पे जो प्लास्टर चढ़ा हुआ था उसने उसके लेग को क्या कर दिया था, टाइट कर दिया था। एंड क्वेश्चन नंबर फोर है अपना लास्ट, व्हाट डिड किट्टीज वांट टू हैव, किट्टी क्या चाहती थी, आंसर है किट्टी वांट टू हैव ए हर्टी मील और ए फ्लैशी माउस, किट्टी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन और फ्लैशी माउस, आकर्षक चूहे उसे क्या करना चाहती थी, पाना चाहती थी। एंड पार्ट एच है मेरा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड किट्टीज फॉल फ्रॉम द वॉल, किट्टी बॉल से कैसे गिर गई थी, आंसर है लिटिल किट्टी वाज सिटिंग ऑन अ वॉल, लिटिल किट्टी वॉल पर दीवार पर बैठी थी, सी चेज्ड अ माउस, उसने माउस का पीछा किया, एंड सी फॉल फ्रॉम द वॉल, और वह दीवार से गिर गई, सी ब्रोक हर लेग एंड लेम्ड अबाउट, उसका पैर टूट गया और वह लगभग लंगड़ाने लग गई थी, लेम्ड का क्या मतलब होता है, लंगड़ाना। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डिड द डॉक्टर डू, डॉक्टर ने क्या किया, आंसर द डॉक्टर सेट हर बोन, डॉक्टर ने उसकी बोन को सेट किया, उसकी हड्डी को सेट किया, बट प्लास्टर मेड हर लेग टाइट, लेकिन प्लास्टर ने उसके पैर को क्या कर दिया, टाइट बना दिया था, वो मूविंग नहीं कर पा रही थी। एंड नाउ सी ड्रैग्ड हर सेल्फ अबाउट, एंड अब उसने लगभग अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया, घसीटना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाई डिड किट्टी नॉट फील कंफर्टेबल, किट्टी कंफर्टेबल क्यों नहीं फील कर रही थी, आंसर किट्टी डिड नॉट फील कंफर्टली नाउ सी ड्रैग्ड एंड कुड नॉट गेट हर मील, किट्टी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, अब उसने अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया, घसीटना शुरू कर दिया, एंड लेकिन फिर भी वो अपना भोजन नहीं पा सकी, द माउस रन आउट एंड सी वाज अनेबल टू कैच इट, माउस क्या हुआ वहाँ से भाग गया और वह उसको पकड़ने में नाकामयाब रही। सो स्टूडेंट्स, दीज आर अवर एक्सरसाइज एंड इट्स क्वेश्चन आंसर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड दिस एक्सरसाइज and question answer write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. Good morning students, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP International School राजपुरा से। बच्चों मैं शुरू करा रही हूँ अभी कक्षा तीसरी का पार्ट पाँच, पाठ का नाम है नन्नी बूंदे। पहले हम पाठ पढ़ेंगे उसके बाद हम अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। बच्चे सबसे पहले पढ़ेंगे हम शिक्षण संकेत। प्रस्तुत कविता में कवि ने जल की नन्ही बूंदों का जीवधारियों के जीवन में महत्व का सुंदर प्राकृतिक वर्णन किया है। क्या बताया कवि ने कि जल की बूंदों का जीवधारियों के जीवन में क्या महत्व है। वर्षा की नन्ही बूंदें आसमान से उतरकर जमीन पर झूम झूम कर जल बरसाती है एवं पूरी धरा को खुशियों से भर देती है। अभी चलिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। क्या बता रहा है कवि, ये कह रहा है कि आसमान से जो बूंदें गिरती हैं वो
सभी प्राणियों के जीवन में, पूरी धरती पर जितना भी प्राणी है उनके सभी के जीवन को खुशियों से वो भर देती है। कविता है काले काले बादल की हम नन्ही नन्ही बूंदे हैं। ये जो बूंदे हैं वो एक क्या कह रही है कि हम काले काले बादल की छोटी छोटी बूंदे हैं, शीतल जल की मीठे जल की नन्ही नन्ही बूंदे हैं। बूंदे कह रही है हम ठंडे और मीठे जल की नन्ही बूंदे हैं। बादल के पंखों पर बैठ आसमान से उतर कर आती, बूंदे ये कह रही है कि हम बादलों रूपी पक्षी के पंखों पर बैठकर आसमान से उतरकर धरती पर आती हैं। रिमझिम छमछम मीठा गाकर झूम झूम कर जल बरसाती, और जो बूंदे हैं वो रिमझिम और छमछम करके सारी धरती पर झूम झूम कर मीठा जल बरसाती है। मुंह धो देती फूलों का हम, पेड़ों को हरियाली देती, बूंदे कह रही हैं कि जब हम बादलों से बूंदे गिरती हैं तो जो फूल है वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं, बिल्कुल धुले हुए से लगते हैं और पेड़ पौधों में हरियाली आ जाती है। जीवन उसको मिल जाता है जिस प्राणी को हम छू देती, बूंदे कह रही है कि जो भी प्राणी बूंदों से सभी प्राणियों को क्या मिलता है, जीवन मिल जाता है, ऐसा बूंदे कह रही है। छोटी हैं पर काम बड़े हैं, बूंद बूंद से सागर बढ़ती, बूंदे कह रही है हम बेशक से हम बहुत ही छोटी बूंदे हैं लेकिन बूंद बूंद से ही सागर भरता है, बढ़ जाता है जिसको छूती खुशियों से भर जाती धरती। ये कह रही है कि जिसको भी हम छू लेती है उसी का जो जीवन है वो खुशियों से भर जाता है और धरती भी खुशियों से भर जाती है, क्योंकि धरती पर सभी पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में सभी में नवजीवन का संचार करती है आसमान की ये बूंदे हैं। अभी हम शब्दार्थ करेंगे, आपको कविता समझ में आ गई होगी। शीतल मतलब ठंडा, प्राणी जीव जंतु, जीवन जिंदगी, सागर समुद्र, हरियाली पेड़ पौधों का हरापन, धरा धरती। अब करेंगे लिखित प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। इस कविता में बूंदे किसका मुंह धो देती है, फूलों का, पेड़ों का या आसमान का? तो यहाँ पर क्या आएगा, फूलों का। बूंदे किस में भरी होती है, हवा में, आसमान में या बादलों में? तो यहाँ पर किस पर सही का निशान आएगा, बादलों में। बूंदे पेड़ पौधों को क्या देती है, ठंडक, डालियाँ या हरियाली? तो यहाँ पर क्या आएगा, हरियाली। यहाँ पर इस पर सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों को पूरा करो। मुंह धो देती फूलों का हम, पेड़ों को हरियाली देती, जीवन उसको मिल जाता है जिस प्राणी को हम छू देती। बच्चों अभी हम करेंगे प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, बूंदे कैसा जल बरसाती है? उत्तर है, बूंदे शीतल जल बरसाती है। बूंदे कैसी है? उत्तर है, बूंदे नन्ही नन्ही है। अगला प्रश्न है, कविता की जिन दो पंक्तियों में कविता का संदेश है उसे लिखो। कविता जो हमें संदेश दे रही है वो कौन कौन सी पंक्तियों में, वो हमें यहाँ पर लिखनी है। छोटी है पर काम बड़े, बूंद बूंद से सागर भरती, बढ़ जाता है जिसको छूती खुशियों से भर जाती धरती। अगला प्रश्न है, बूंद क्या क्या काम करती है? उत्तर है, बूंदे झूम झूम कर जल बरसाती है, पेड़ों को हरियाली देती है, सागर को जल से भर देती है। अगला प्रश्न है, फूलों का मुंह कौन धोती है? उत्तर है, नन्ही बूंदे फूलों का मुंह धोती है। तो बच्चों ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, इसका अभ्यास कार्य मैंने आपको करा दिए हैं, आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी को ये अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।